हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एचटीएमएल कोर्स। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज को देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर वेब पेज का हम स्ट्रक्चर किस तरीके से डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल लैंग्वेज। सो किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए हमने देखा था कि सबसे पहले हम लोग एचटीएमएल डॉक टाइप एचटीएमएल लिखते थे, जो कि हमारी बेसिकली एचटीएमएल की टाइप को फाइल को डिफाइन करता था कि हमारी जो पर्टिकुलर फाइल है वो एचटीएमएल की फाइल है। देन उसके बाद हम जो भी काम परफॉर्म करते थे वो हम विद इन एचटीएमएल टैग के अंदर परफॉर्म करते थे। और वेब पेज के बेसिकली दो पार्ट्स होते थे, फर्स्ट पार्ट हमारा हेड पार्ट होता था और सेकंड पार्ट हमारा बॉडी पार्ट होता था। हेड पार्ट के अंदर हम क्या करते थे, टाइटल ऑफ द वेब पेज को डिफाइन करते थे, और बॉडी पार्ट के अंदर हम क्या डिफाइन करते थे, कंटेंट ऑफ द वेब पेज को डिफाइन करते थे। इट्स अ सिंपली द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज कि आपने सिंपली किसी भी एचटीएमएल की फाइल का स्ट्रक्चर किस तरीके से क्रिएट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर रन करना है, देन उसके बाद हम आगे फॉरवर्ड मूव करेंगे। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम तो स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, वैसे तो आज के लेक्चर में हमारे टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के हवाले से, कि मतलब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम एचटीएमएल किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या राइट करेंगे, डॉक टाइप एचटीएमएल राइट करेंगे। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है, आप किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, स्मॉल केस में लिखें, कैपिटल में लिखें, और देन इसको क्लोज भी कर देते हैं। ओपन एचटीएमएल टैग किया, क्लोज किया, देन फाइल को सेव कर लेते हैं हम लोग। पहले ही मैंने अपनी फाइल लोकेशन सेट की हुई है, डेस्कटॉप पे मेरा एचटीएमएल का फोल्डर है, मैं अपने जो भी काम परफॉर्म करूंगी उसी फोल्डर के अंदर सेव करूंगी। ठीक है, इस फाइल का हम नाम रख देते हैं टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है, डॉट एचटीएमएल। एक्सटेंशन लाजमी दीजिएगा, अगर आप लोग एक्सटेंशन नहीं देंगे तो ये सेव फाइल किसी और फॉर्मेट के अंदर सेव हो जाएगी और ये ब्राउज़र पर रन नहीं होगी। सिर्फ एचटीएमएल की फाइल ही आप ब्राउज़र पर रन करवा सकते हैं। ठीक है, मैंने फाइल का नाम क्या दिया, टेक्स्ट फॉर्मेट डॉट एचटीएमएल, इसको सेव कर लें। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को डिफाइन कर लेते हैं। वही काम करना है आपने, सबसे पहले हेड पार्ट को ऑन करना है, हेड पार्ट को ऑन करने के बाद इसको क्लोज भी कर लें साथ ही। ठीक है, और हेड पार्ट में आपने क्या डिफाइन करना है, टाइटल डिफाइन करना है। तो टाइटल बेसिकली आज हम किस पे काम करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग पे काम करेंगे, तो हेडिंग भी हम इसकी, टाइटल भी हम इसका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सेट कर लेते हैं। ठीक है, टाइटल टैग को ऑन किया, टाइटल टैग को क्लोज करना है साथ में ही। अब हम जो भी काम परफॉर्म करेंगे वो बॉडी सेक्शन के अंदर परफॉर्म करेंगे, तो उसके लिए आप सबसे पहले बॉडी टैग को ऑन करेंगे। ठीक है, और साथ साथ ही आपने क्या करना है, बॉडी टैग को क्लोज भी कर लेना है। ओके, बन गया हमारा स्ट्रक्चर सिंपली। सो आज के लेक्चर में हमने क्या सीखना है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखनी है। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम किस तरीके से करेंगे, बेसिकली सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं कि हमें पता चले कि हम जो काम कर रहे हैं वो आज का काम क्या है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये सिंपली मैं एक हेडिंग डाल रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप डालना चाहें या नहीं डालना चाहें इट्स अप टू यू, लेकिन मैं हेडिंग डालूँ ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो ज़रा अच्छे से नज़र आए। ठीक है, हम आज क्या किस पे काम करेंगे, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल अप्लाई करेंगे। ओके, टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई करने के लिए भी पर्टिकुलर टैग्स अवेल हैं, हम उन टैग्स को इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, सबसे पहला जो टैग है वो आपका बी टैग है, बी टैग्स मीन्स बोल्ड टैग्स। ठीक है, दिस टैग इज यूज टू बोल्ड टेक्स्ट। ठीक है, डेफिनेशन में इसके बीच में लिख रही हूँ, चेंजेस आपको साथ में नजर आ जाएगी। इट्स अ पेयर टैग, आप इसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। उसके बाद आप हम यूज़ करेंगे जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का टैग है वो हमारे पास, चले पहले एक को रन करके दिखा देती हूँ, फिर उसके बाद हम सारे एक साथ रन करेंगे। ओके, सेव कर लें फाइल को, कंट्रोल एस कर लिया मैंने। अब वापस से कहाँ जाएंगे हम लोग इस फाइल को, ओके चलें जी, ये रहा फोल्डर एचटीएमएल के फोल्डर में, ये रही मेरी टेक्स्ट फॉर्मेट की फाइल। इसको रन करें, देखिए क्या नज़र आ रहा है आपको। ठीक है, ऊपर जो मैंने टाइटल सेट किया था टेक्स्ट फॉर्मेट, यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और उसके बाद जो मैंने H1 में हेडिंग डिफाइन की थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन एचटीएमएल, वही हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। ठीक है, उसके बाद मैंने बी टैग के अंदर अपने टेक्स्ट को राइट किया था, तो मेरा जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे सिंपली बोल्ड हुआ हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा बोल्ड हुआ हुआ है, साइजेस का वही बाई डिफॉल्ट जो उसका सिलेक्टेड है वही है, टेक्स्ट हमारे किस फैशन के अंदर आ रहा है, बोल्ड आ रहा है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, ठीक है, इस टेक्स्ट को आपने इटैलिक फैशन के अंदर करना है, तो आप उसके लिए आप क्या करेंगे, बस इसको शॉर्ट करके लिखते हैं, यूज फॉर इटैलिक। इस ये भी पेयर टैग है, इसकी ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है, साथ साथ हम टेक्स्ट को अंडरलाइन करना भी सीख लेते हैं। ठीक है, ये क्या उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, यू टैग यूज़ करते हैं। यू टैग सिंपली क्या करेगा, आपका टेक्स्ट को अंडरलाइन कर देगा।
ठीक है, इट्स आल्सो अपीयर टैग, इसकी ओपनिंग भी होगी और क्लोजिंग भी होगी। ठीक है, कितने टैग्स यूज़ किए हमने? तीन टैग्स यूज़ किए, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, ये तीन टैग यूज़ किए। फर्स्ट वन क्या करेगा, आपके टैक्स को बोल्ड करेगा, सेकेंड आपके टैक्स को जस्ट इटैलिक करेगा, बोल्ड नहीं करेगा, ठीक है, और थर्ड वन आपका क्या करेगा, टैक्स को अंडरलाइन कर देगा। ठीक है, आउटपुट देख लें एक साथ, फिर बाकी के टैग मैं आपको दोबारा अप्लाई करके दिखाऊंगी। इसी को फाइल को रिफ्रेश कर लें, या तो फिर आप इसको अपनी पर्टिकुलर लोकेशन में जाके दोबारा ऑन कर लें। अब ज़रा नोट करें, पी टैग हमने अलग अलग टैग्स को लिखा था, ये देखें फर्स्ट लाइन क्या लिखी हुई आ रही है, दिस टैग इज़ यूज टू बोल्ड टैग्स, ये तो हमारा वो टैक्स हो गया जो मैंने बी टैग के अंदर लिखा था। ठीक है, सेकेंड टैक्स देखें यूज फॉर इटैलिक, और थर्ड टैक्स मेरा अंडरलाइन टैक्स, लेकिन ये जो टेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर नहीं आ रहा। HTML में नेक्स्ट लाइन खुद ब खुद जनरेट नहीं होती, सारा काम आपको खुद करना पड़ेगा। आप चाह रहे हैं कि आपका टैक्स नेक्स्ट लाइन के अंदर आए, तो उसके लिए भी आपको काम करना पड़ेगा, उसके लिए भी एक पर्टिकुलर टैग हमारे पास अवेल है। ठीक है, वापस से सबलाइन टैक्स के अंदर जाएं। अब मैं क्या चाह रही हूँ कि मेरा ये जो टैग है, मीन्स कि जो मेरा यहाँ पे बोल्ड टैक्स लिखा हुआ है, इसके बाद जो मेरा टेक्स्ट है वो मेरा नेक्स्ट लाइन पे जंप कर जाए, तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी, BR टैग यूज़ करूँगी। BR आपका कौन सा टैग है, ब्रेक लाइन। ठीक है, BR टैग आपका क्या करेगा, ब्रेक लाइन का टैग है, ये आपकी लाइन को यहीं पे ब्रेक कर देगा, और जो नेक्स्ट लाइन आपकी आ रही होगी उसको नेक्स्ट लाइन पे जंप करेगा। फिलहाल मैं आपको एक पे अप्लाई करके दिखा रही हूँ, अब इसका फ़र्क वो देखें, चेंजेस देखें, फाइल ओपन है मेरी, इसी फाइल को रिफ्रेश कर लें, देखें क्या हुआ, बी टैग के बाद मैंने BR टैग लगाया था, तो मेरा जो नेक्स्ट लाइन थी वो नेक्स्ट पे जंप कर गई। ठीक है, अगर आपने लाइन को जनरेट करवाना है तो आप क्या करेंगे, BR टैग इस्तेमाल करेंगे, हर उसके बाद इस्तेमाल कर लेते, ताकि हमारा जो टैग है, टेक्स्ट है, वो हमारा थोड़ा सा अच्छा नज़र आए। ठीक है, BR टैग यूज़ कर लेते हैं। अब इस फाइल को सेव करें और अब जाके इसको रन करें। हो गया अलग अलग लाइन पे, पहला टैग हमने कौन सा यूज़ किया था, बोल्ड टैग्स के लिए यूज़ किया था, विद द हेल्प ऑफ बी टैग हमने इस काम को परफॉर्म किया था। सेकंड जो काम हमने किया था वो हमने इटैलिक का किया था, हमने टैग्स को अपने इटैलिक फैशन के अंदर किया था, तो हमारा टैग्स देखिए इटैलिक में है, फ़र्क आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा। फर्स्ट वन जो टैग है थोड़ा सा जूम करके देख लें, अगर आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा तो ओके। देखें फर्स्ट वन टैग आपका बोल्ड में टैग्स हुआ है, सेकेंड आपके इटैलिक के अंदर है, और थर्ड वन आपका अंडरलाइन के अंदर हुआ है। ठीक है, ये आपके क्या है, फॉर्मेट टैग है, जिससे हम टैग्स को पर्टिकुलर टैग्स की फॉर्मेटिंग करते हैं। इसके अलावा भी टैग्स हैं, कौन कौन से टैग्स हैं हमारे पास, EM का टैग है, EM टैग क्या करेगा, इम्फेसाइज टैग्स करेगा। ठीक है, EM टैग क्या करता है, इम्फेसाइज टैग्स करता है, मतलब हमारे टैग्स को थोड़ा सा इम्फेसाइज करके दिखा देता है। ठीक है, आपने क्या करना है, EM का टैग ऑन करना है, इट्स अपीयर टैग, सॉरी हमने ऊपर जंप कर गए, ओके बैक स्लैश करें, आपका टैग खुद ही क्लोज हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, अपने टैग्स को, एक बात याद रखिएगा कि इन टैग्स के अंदर जो टैग्स आप डिफाइन करेंगे, चेंजेस उसी के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, इन टैग के अंदर जो टैग्स लिखेंगे आप, वो आपको इम्फेसाइज नज़र आएगा, इसके बाहर अगर आप टैग्स लिखेंगे तो वो इम्फेसाइज नहीं होगा। सो चेंजेस हाथ के हाथ देख लें, साथ ही नोट कर लेते हैं, वापस से फाइल को रिफ्रेश करें। ठीक है, इम्फेसाइज टेक्स्ट हो गया, थोड़ा सा टेक्स्ट का स्टाइल चेंज हो गया, थोड़ा सा इम्फेसाइज फैशन के अंदर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं, BR टैग साथ ही लगा लें, ताकि हम जो नेक्स्ट काम करें वो हमारा न्यू लाइन पर ही हो, हमें दोबारा से न्यू लाइन जनरेट करवानी ना पड़े। ठीक है, उसके अलावा आपने देखा होगा टैग्स को हाईलाइट भी तो कर सकते हैं हम लोग, हाईलाइट टैग्स आपने देखा होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करने के लिए हम हाईलाइटर यूज़ करते हैं, अनयूजुअल लाइफ के अंदर उसको टैक्स हाईलाइटर से कर लेते हैं, वर्ड के अंदर भी हमारे पास हाईलाइटर मौजूद होता है, हम टैक्स को हाईलाइट कर लेते थे। अब यही काम हमने अपनी पर्टिकुलर वेबसाइट के अंदर करना हो तो वो किस तरीके से करेंगे, उसके लिए भी आपके पास एक टैग मौजूद है। ठीक है, उस टैग का क्या नाम है, मार्क। ठीक है, मार्क टैग क्या करेगा, बेसिकली आपके टैक्स को हाईलाइट करेगा। ठीक है, ये क्या है, टैक्स हाईलाइटर की तरह काम करता है। ठीक है, टैक्स हाईलाइटर का काम करेगा, ये भी आपका पेयर टैग है, इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। चलें इसकी चेंजेस भी देख लेते हैं, आपने साथ साथ सेव करना है फाइल को, ताकि आपकी चेंजेस हो, अगर आप फाइल को सेव नहीं करेंगे तो आपको चेंजेस अप्लाई नज़र नहीं आएंगी। वापस से गूगल क्रोम खोलें, रिफ्रेश करें, देखें टैक्स हाईलाइट हो गया, ये क्या करेगा, टैक्स को हाईलाइट करेगा, जिस तरह हम अपनी फाइल को हाईलाइटर से हाईलाइट करते हैं पेपर्स को, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है,
उसके बाद टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में जो आपका टैग आता है वो आता है स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग टैग क्या है, बेसिकली आपका स्ट्रॉन्ग टैग कर देता है, थोड़ा सा बोल्ड कर देता है। बोल्ड क्या करता है, आपके टेक्स्ट को थोड़ा सा थिक करता है ना, तो स्ट्रॉन्ग उससे थोड़ा सा ज़्यादा थिक कर देता है। ठीक है, ये क्या करेगा आपके टेक्स्ट को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ठीक है, यूज फॉर, ओके चलिए स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट लिख लेते हैं जस्ट। ठीक है, ये भी आपका पीयर टैग है, इसकी ओपनिंग भी है और क्लोजिंग भी है। फाइल को सेव करें साथ साथ और चेंजेस भी अप्लाई करके देख लें। F5 करें, F5 इज द शॉर्टकट की, नहीं तो यहाँ पे आपके पास ये रिफ्रेश का बटन है, यहाँ पे करें। देखिए मैंने BR टैग नहीं लगाया था तो उसने क्या किया, टेक्स्ट हाईलाइटर के बराबर में ही आ गया। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, BR टैग लगा लेंगे। ठीक है, हो गया टैक्स आपका, थोड़ा सा बोल्ड फैशन के अंदर रहेगा, सिर्फ टैक्स को स्ट्रॉन्ग करेगा और ज़्यादा इसका कोई खास काम नहीं है। यहाँ पे हम BR टैग लगाना भूल गए थे, हमारा हाईलाइटर के R के बाद टैक्स नजर आ रहा था ना, तो इस मीन्स कि हमें यहाँ पे BR लगाना चाहिए। ओके चलें जी, ये सिंपली हमारे फॉर्मेटिंग के टैग्स हैं जो हम अपने टेक्स्ट को ज़्यादा ब्यूटीफुल करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए यूटिलाइज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। जैसे आपको जिस टैग की ज़रूरत पड़ेगी आप वो टैग इसको यूटिलाइज़ करेंगे। सिंपल टैग्स हैं, पेयर टैग्स हैं, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने अपने टैग्स को इन टैग्स के दरमियान में राइट करना है, जो भी चेंजेस अप्लाई होंगे वो दरमियान वाले टैग्स के ऊपर आ जाएंगे, मतलब इनक्लोज आप जो भी टैग्स राइट करेंगे चेंजेस आपको उसी के ऊपर नजर आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारा डेल टैग, डिलीट टैग, शॉर्टली इसको हम डेल टैग कहते हैं और फुल फॉर्म इसकी क्या है, डिलीट टैग। ठीक है, डेल टैग आपका क्या करेगा, सिंपली डिलीट करेगा टैग्स को। ठीक है, आपने देखा होगा बाज दफ़ा प्राइस कुछ इस तरीके से लिखी हुई होती है, जैसे प्राइस लिखी हुई होती है 200 और 200 को कट करके हमारे पास 120 लिखा हुआ होता है। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि मेरा ये जो 200 है ये कट हो जाए और 120 मेरा नज़र आए। ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है इसको 200 को कट करवाना होगा, स्ट्राइक थ्रू करवाना होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो टैग्स आपने स्ट्राइक थ्रू करवाना है मतलब कट करवाना है उसे आप इस डेल टैग के बीच में रखेंगे। देखिए जो भी चेंजेस अप्लाई होती है वो सेंटर में अप्लाई होती हैं। मैं चाह रही हूँ कि मुझे टैक्स कुछ इस तरीके से नज़र आए, रुपीज़ 200 कट हो जाए और जो उसकी न्यू प्राइस है 120 वो मुझे यहाँ पे नज़र आए। ठीक है, कोड को दोबारा समझें, मैंने क्या किया, सिंपली रुपीस लिखा, ये मुझे टैक्स नज़र आएगा। ठीक है, रुपीस लिखा हुआ नज़र आएगा, उसके बाद डेल का टैग लगाया, डिलीट का टैग लगाया। ये डिलीट टैग क्या करेगा, इस टैग के बीच में जो वर्ड लिखा हुआ है उसे स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देगा, उस पर स्ट्राइक थ्रू कर देगा, उसे कट कर देगा। ठीक है, और उसके बाद क्या नज़र आएगा आपका, 120 नज़र आएगा। ठीक है, फाइल को सेव करें और गूगल क्रोम पर जाइए, रिफ्रेश करना है आपने हर दफ़ा फाइल को, वरना आपको चेंजेस नज़र नहीं आएंगे। देखिए चेंजेस नज़र आ रही हैं आपको, रुपीस लिखा हुआ आ रहा है, देन 200 लिखे हुए, 200 क्योंकि मैंने डेल टैग के अंदर लिखा हुआ था, इसने क्या किया 200 को कट कर दिया, जैसे स्ट्राइक थ्रू हम अप्लाई करते थे। ठीक है, 200 को कट करके न्यू प्राइस क्या लिख दी उसने, 120। ये भी टैक्स फॉर्मेटिंग है जो बेसिकली हम प्रोडक्ट्स वगैरह के ऊपर करते हैं। आपने देखा होगा बाज़ दफ़ा प्राइस कट हुए हुए होते हैं और न्यू प्राइस लिखे हुए होते हैं, तो ये काम भी आप HTML के अंदर ईजिली परफॉर्म कर सकती हैं विद द हेल्प ऑफ डिलीट टैग। ठीक है, ओके, दीज आर द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टैग, कोई डिफिकल्ट नहीं है। आपने क्या करना है, सिंपली जिस चीज़ के ऊपर आपने चेंजेस अप्लाई करनी है, फॉर्मेटेड अप्लाई करनी है, आपने उसे उस फॉर्मेट टैग के अंदर लिखना है। फॉर्मेट टैग से बाहर लिखेंगे तो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, अगर इस टैग से बाहर मैं बोल्ड लिखूंगी तो वो अप्लाई नहीं होगा। बोल्ड के जो ऑपरेशन है, जो मतलब जो बोल्ड में जो चेंजेस अप्लाई होंगे वो इस टैग्स के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, That's all about the text formatting in MS in HTML. ठीक है, एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हमने आज क्या किया। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने टाइटल सेट किया था अपने वेब पेज का, जो कि मैंने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग रखा था। ठीक है, उसके बाद क्या किया था, एक हेडिंग दी थी ताकि हमारा टेक्स्ट थोड़ा सा लुकिंग वाइज गुड लगे। ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हेडिंग मैंने H1 यूज़ किया था हेडिंग के अंदर। देन उसके बाद मैंने आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के कुछ टैग्स बताए थे, जाहिर सी बात है सारे कुछ टैग्स थे ये आपके। ठीक है, पहला टैग था जो हमारे पास, वो था हमारे पास बी टैग, इट्स मीन्स ये बोल्ड टैग है हमारा। बोल्ड टैग को हम यूज़ करते हैं टैग्स को बोल्ड करने के लिए। सेकेंड जो टैग हमने यूज़ किया था वो हमारे पास इटैलिक टैग था, ये भी पीयर टैग है आपका, ओपनिंग एंड क्लोजिंग है इसकी। ठीक है, उसके बाद जो टैग्स हमने यूज़ किया था वो हमारे पास यू टैग है, जिसे हम अंडरलाइन टैग कहते हैं।
ठीक है। यू टैग आपका बेसिकली इस्तेमाल किया जाता है टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए। नेक्स्ट वन जो है वो आपके पास इम्फिसाइज टेक्स्ट का, ये आपके टेक्स्ट को इम्फिसाइज करता है। उसके बाद आपके पास जो टेक्स्ट हमने टैग को इस्तेमाल किया था वो हमारे पास था मार्क टैग। मार्क टैग क्या करेगा, सिंपली हमारे टेक्स्ट को मार्क करता था, मतलब हाईलाइट कर देता है। एज अ टेक्स्ट हाईलाइटर यूज़ किया जाता है ये टैग। उसके बाद जो हमने यूज़ किया था हमारे पास स्ट्रॉन्ग का टैग था। स्ट्रॉन्ग टैग क्या करेगा, सिंपली आपके टैग्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा, थोड़ा सा इसका कोई खास काम नहीं है, बस टैग्स को स्ट्रॉन्ग कर देगा। ओके, उसके बाद जो लास्टली हमने टैग को डिस्कस किया था उस टैग का नाम था डिलीट टैग। डिलीट टैग क्या करता है, ये स्ट्राइक थ्रू का काम करता है। आप इस टैग के अंदर जो वर्ड लिखेंगे उसे कट कर देगा, कट करने के बाद वो आपको क्या कर देगा, कट कर देगा, स्ट्राइक थ्रू अप्लाई कर देगा। ठीक है, टैग्स फॉर्मेटिंग में हमारे पास दो टैग्स और होते हैं, ठीक है, उन्हें भी देख लेते हैं साथ ही। एक होता है सबस्क्रिप्ट, एक होता है सुपर स्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट के बारे में आपको पता है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं आपके फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इस तरीके से लिखे हुए होते हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये लिखा हुआ होता है आपके पास। अब मैं चाह रही हूँ ये जो मेरे पास फर्स्ट और सेकंड लिखा हुआ है ये मेरे पास बिल्कुल ऑर्डिनल फॉर्म के अंदर आए, मतलब एस टी जो है वो टॉप पर आए, तो ये जाहिर सी बात है हम सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू करते हैं। तो सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू आपने किस तरीके से करना है, मैं सुपर स्क्रिप्ट के थ्रू मतलब देखें इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टैग है। कौन सा टैग है, सुपर स्क्रिप्ट करना है टैग को तो हम किसके थ्रू करेंगे, एस यू पी, ठीक है, ये क्या है, सुपर स्क्रिप्ट का टैग है। इस टैग के अंदर जो वर्ड मैं लिखूंगी ये सिर्फ उसे ही सुपर स्क्रिप्ट करेगा। मुझे एस टी को सुपर स्क्रिप्ट करवाना है तो मैं इस टैग के दरमियान एस टी ही लिखूंगी, और ये भी पियर टैग है, इसको भी क्लोज करना है आपने साथ में, ठीक है। अब ये सेकंड है, सेकंड का मैंने इसको भी मैंने सुपर स्क्रिप्ट करना है तो एस यू पी लिखेंगे, ओके सॉरी थोड़ा सा चेंज हो गया, ये एन डी को मैंने सुपर स्क्रिप्ट करवाना है और इसको बैक स्लैश से बंद कर दें, ठीक है, दोनों मैंने सुपर स्क्रिप्ट के ही यूज़ किए हैं। अब इसकी चेंजेस देखें, फाइल को सेव कर लें अपनी और यहाँ से गूगल क्रोम की फाइल को जाके रन करें, ये देखें हो गया। मैंने वन लिखा था, वन के बाद मैंने सुपर स्क्रिप्ट के अंदर एस टी लिखा था, मतलब इस सुपर स्क्रिप्ट के अंदर मैं जो भी टेक्स्ट राइट करूँगी उसे क्या करेगा, सुपर स्क्रिप्ट कर देगा, मतलब ऊपर टॉप साइड पर आ जाएगा, ठीक है। बी आर का टैग यूज़ कर लेते हैं ताकि हमें चेंजेस नज़र आए, ठीक है। दोबारा करके दिखा देती हूँ आपको मैं, कोई मसला नहीं है, दोबारा इसका आउटपुट दिखा देती हूँ। जस्ट मैंने बी आर टैग यूज़ किया ताकि मेरा जो टैग यहाँ पर नज़र आ रहा था वो नेक्स्ट लाइन में नज़र आए, ठीक है। फाइल को जाके आपने क्या करना है, रिफ्रेश करना है, देखें वन क्योंकि मैंने इस सुपर स्क्रिप्ट से पहले लिखा था तो वो उसके ऊपर चेंजेस अप्लाई नहीं हुई। चेंजेस किसके ऊपर अप्लाई हुई है, एस टी के ऊपर अप्लाई हुई है, तो इट्स मीन्स मैंने एस टी को सुपर टैग के अंदर लिखा था तो वो सुपर स्क्रिप्ट का फंक्शन उसी के ऊपर अप्लाई हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट होता है हमारे पास सबस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट हम किस पे अप्लाई करते हैं, जस्ट लाइक आपका एच टू ओ का फार्मूला है, ठीक है, H2O का फार्मूला होता है ना आपके पास, हम वो लिखते हैं। लेकिन 2 ऐसे नहीं होता, 2 आपका बॉटम साइड पर होता है, मतलब बेस बनी हुई होती है उसकी। तो इस 2 को मैं क्या चाह रही हूँ कि सबस्क्रिप्ट हो जाएगी। सबस्क्रिप्ट करने के लिए क्या करना है, अब मुझे सिर्फ 2 करना है तो मैं सिर्फ 2 पे सबस्क्रिप्ट अप्लाई करूँगी। SUB इज़ द शॉर्ट टैग का नाम है आपके, 2 को उसके अंदर रखूँगी सिर्फ, ठीक है। इट्स अ पियर टैग और आपने SUB को बंद भी करना है साथ में, ठीक है। क्या किया मैंने, H को मैंने बाहर रखा क्योंकि मुझे H को सबस्क्रिप्ट नहीं करना, मुझे किसको करना है, सिर्फ और सिर्फ 2 को करना है। जो वैल्यू आप इन टैग्स के बीच में रखेंगे फॉर्मेटिंग सिर्फ उसी को पर अप्लाई होगी, ठीक है। 2 को मुझे सबस्क्रिप्ट करना है तो 2 को मैंने सेंटर में रखा, देन O को मैंने बाहर रखा। फाइल को आप वही सेव करें, दोबारा अपनी फाइल के पास जाएं, इसको रिफ्रेश करके देखें, हो गया सबस्क्रिप्ट। देखें H लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, फिर 2 लिखा हुआ आ रहा है, 2 लेकिन बॉटम पर है, ठीक है, बेस साइट है, मतलब ये क्या हो गया आपका टैग सबस्क्रिप्ट हो गया, और ओ हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, टैग्स को सिंपली सबस्क्रिप्ट भी कर लिया और टैग्स को हमने सुपर स्क्रिप्ट भी कर लिया, ओके। आज के सिलेक्शन में हमने क्या क्या देखा, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखी थी कि टेक्स्ट फॉर्मेटिंग हम HTML के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करने के लिए हम बी का टैग यूज़ करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ बोल्ड टेक्स्ट, आई का टैग यूज़ करते थे इटैलिक करने के लिए, यू का टैग यूज़ करते थे टेक्स्ट को अंडरलाइन करने के लिए, स्ट्रॉन्ग का टैग हमने देखा कि स्ट्रॉन्ग टैग से हम अपने टेक्स्ट को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, डिलीट के टैग से क्या हो रहा था, स्ट्राइक थ्रू का काम हो रहा था,
मार्क टैग हमारा क्या कर रहा था, टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहा था। इम्फिसाइज का टैग जो था वो हमारे पास टेक्स्ट को इम्फिसाइज कर रहा था। उसके बाद सबस्क्रिप्ट का टैग था हमारे पास, जो हमारे टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट फैशन के अंदर, जैसे H2O मैंने लिख के दिखाया था आपको, वो हमारे सबस्क्रिप्ट का काम करके दिखा रहा था। उसके बाद हमने सुपर स्क्रिप्ट को भी देखा था। सुपर स्क्रिप्ट जैसे फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर हो गया, फर्स्ट आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बी ब्रेक लाइन का काम भी देखा था। बी आर टैग क्या करता है, सिंपली लाइन को जनरेट करता है, नेक्स्ट लाइन पे आपका टेक्स्ट आ जाता है। हॉरिजॉन्टल रूल रह गया हमारा, हॉरिजॉन्टल रूल को भी देख लेते हैं। एच आर टैग है ये हमारा, सिंपली एच आर टैग क्या करता है, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेगा। एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, इसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। जो हमने हेडिंग डाली है ना, मैं चाह रही हूँ कि इस हेडिंग के बाद, ये जो मैंने हेडिंग लिखी थी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML, इसके बाद जो मेरे एक लाइन आ जाए, तो लाइन डालने के लिए हम, ये सिंगुलर टैग है हमारा, इसका कोई एंडिंग नहीं है, एच आर है। जिस तरह बी आर टैग आपका सिंगुलर टैग है, इसी तरह एच आर भी आपका क्या है, सिंगुलर टैग है, ठीक है। एच आर मीन्स हॉरिजॉन्टल रूल, ये क्या करेगा, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेगा। आप इसको सेव करें और वापस उसमें गूगल क्रोम पे जाइए, रिफ्रेश करें, देखें क्या किया इसने, मेरी हेडिंग के बाद जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दी। एच आर क्या करेगा आपका, सिंपली एक लाइन ड्रॉ करेगा, हॉरिजॉन्टल रूल टैग कहते हैं इसे हमारा। तो ये हमारा क्या काम करता है, सिंपली एक लाइन को ड्रॉ करता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द टेक्स्ट फॉर्मेटिंग इन HTML। स्टे ट्यून्ड।